लगा वो महीने में एक दिन मैं SDM साहब के वहाँ जन सुनवाई को आप हम सब मिलकर के इस क्षेत्र में अच्छा विकास आने वाली सरकार को पता करेगा ये अब जो सरकार आई है ये भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे अधिकारी हो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई उससे भी है तो इसमें कोई सम्मिलित होगा आगे इस अगले 5 साल में ये चीजें बता सबसे ज्यादा उम्र करके देखो भ्रष्टाचार हो रहा है तो जमीनों को घोटाला होगा। लेकिन जब अब ऐसी स्थिति आएगी तो मुझे कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे। कुंभलगढ़ में साधारण सभा की बैठक, विधायक बोले भाषण से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल काम करके दिखाना होगा। कुंभलगढ़ के महाराणा प्रताप सभागार में साधारण सभा की बैठक शनिवार को ही विधायक बनने के बाद पहली बार पंचायत समिति पहुंचे सुरेंद्र सिंह राठौड़ का सभागार में जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। सभा में विधायक और प्रधान कमला दसाना ने दीप जलाकर शुरुआत की। इसके बाद चिकित्सा, पंचायत, PWD, बिजली, PHD सहित आई विभाग के कर्मचारी ने अपने कामों के बारे में बताया। BDO मनवीर बेनीवाल ने अपने पिछली सभा के कामों की जानकारी दी। वही विधायक ने बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी भी मांगी। विधायक ने कहा कितने काम पूरे नहीं हुए। साधारण सभा में कामों की जानकारी दे रहे कर्मचारियों को विधायक ने कहा कि कितने काम अधूरे हैं वो पूरे नहीं हुए। साथ ही कहा कि प्रैक्टिकल काम चाहिए, भाषण से काम नहीं चलेगा। साथ ही कड़िया में बिजली विभाग द्वारा स्टे वाली जगह पर DP लगवा दी गई थी, उसे भी हटवाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि 5 साल में लूट मची थी, मैं ट्रांसफर में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन लोगों के अगर सही टाइम पर काम नहीं हुए तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इनके साथ ही विधायक ने पहले साधारण सभा में मौजूद नहीं रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस देने के लिए कहा। बैठक में उपखंड अधिकारी अंशुल अमेरिया, तहसीलदार विनोद झांगीड़, चारबुजा तहसीलदार दिनेश आचार्य, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रेम सुख शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल गिरी, उप प्रधान शांतिलाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष अल्पेश असावा, गवार सरपंच बिशन सिंह राणावत, ओलादर मंडल अध्यक्ष कबर सिंह, ओलादर मंडल अध्यक्ष बब्बर सिंह चदाना, पूर्व प्रधान नारायण सिंह सोलंकी, बिजली विभाग AN रामकेश मीणा, शंकर सिंह चौहान, वन विभाग से सत्येंद्र सिंह, पृथ्वी सिंह जालाव, चिकित्सा विभाग BCMO डॉक्टर मस्तराम मीणा, नाथेला सरपंच केसर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कुबेर सिंह सोलंकी ने किया। लेकिन जब अब ऐसी स्थिति आएगी तो मुझे कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे। मैं जो भी ग्रामीण विकास अधिकारी है उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टेंडर में ज्यादा आत्मा नहीं मारे तो अच्छा। कई विकास ग्राम विकास अधिकारी टेंडर भी खुद देना चाहते, जब आपके पास काम है तो क्यों ऐसे टेंडर की प्रक्रिया पड़ते हो? ये पता नहीं, मुझे पता नहीं यार किस साल से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, सबका मुझे पता कौन क्या कर रहा है। जो भी रेवेन्यू से जुड़े हुए नीचे के स्तर पर जो पटवारी आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जमीनों को काम में ज्यादा नहीं करना। सबसे ज्यादा उम्र करके देखो भ्रष्टाचार हो रहा है तो जमीनों को घोटाला होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और रोने लग जाते हैं, हमने मतलब जमीन बेची दी और हमारी जमीन की रिश्ते होगी। इसके बाद आपसे पसकर निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आप इस पर एक बार रोक लगाए पूरा पता लगा। इन गरीबों की जमीनों को जो रजिस्ट्री का जो खेल चल रहा है वो माफिया कुछ अधिकारी मिले हुए हैं। वैसे मैंने यही मंगा लिया कितने साल से अधिकारी मिलेगा और उसका मन केवल यदि जमीन खरीदने में जमीन बेचता भी लगा हुआ है तो और किसी शहर के आसपास लगा लेना कि वहां आकर प्रॉपर्टी करता है या उबलगढ़ की गरीब जनता को आप नहीं लूटे यहाँ काफी कई बार लोग आते हैं, बहुत पीड़ा होती है कि ऐसे ऐसे गरीब की जमीनों की रिश्ते हो जाती है और उन बेचारा भटकते घूमते हैं कहीं जाने में उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, आज तो कर लोगे लेकिन जमीनें ये रह जाएगी, वापस ऊपर जाके जवाब तो देने ही सबको। इसलिए मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है ये इन दो कामों से आप अधिकारी भी दूर रहें और जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करता हूँ ऐसे कामों से कृपया दूर रहें। ठीक है, वो जमीन का लेन देन करना बाकी बात, तो किसी से जमीन खरीदते हो मैं वो मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये जमीनों का जो खेल चला पिछले 5 साल पता ही नहीं किसी आदमी को, 50 साल से बैठा हुआ तो उसी नंबर पर उसको पीछे ठोक दिया और आगे की रिश्ते हो गई। अब ये तो होटल व्यवसाय बना है तो सबके लिए, किसी गरीब की भी जमीन है तो उसको भी तो फायदा मिलना चाहिए जब वो वहाँ 25 साल से बैठा हुआ। एक जमीनी हकीकत तो ऐसे साहब आपको बता रहा हूँ कि जमीनों को खेल में या अधिकारी हो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई उससे भी है तो इसमें कोई सम्मिलित होगा आगे इस अगले 5 साल में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार का जनादेश का जो मूल उद्देश्य था जनता का जो एक विशेष मैंडेट जो आया है वह यही आया है कि बजट में भ्रष्टाचार को रोकना। यह काफी अच्छी बात है, ये कुछ विभागों का अच्छा काम भी हुआ है। कुछ विभागों में मैं मानता हूँ कि सरकार के मौखिक निर्देश थे कि भाई चुनाव से पहले लोगों को पानी नहीं पिलाया जाए,
इसलिए कहीं आपने कनेक्शन भी किए, कहीं पाइप पड़े हुए हैं, कहीं नालियां पड़ी हुई है, उसके पीछे हो सकता है सरकार का निर्देश था, तो मानते हैं अब सरकार का साथ मैसेज कि मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कि हमें हर घर नल पहुंचाना, इस महत्वपूर्ण काम को बाद में लेकर के अब आगे काम को बढ़ाए। कुछ ठेकेदार हैं ऐसी प्रवृत्ति के आगे जो लोग टेंडर लेते हैं फिर वो काम नहीं करते हैं, फिर उनको एहसास हो गया कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, इसलिए तुरंत कार्रवाई करें, रजिस्टर करें ठेकेदारों को जिन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में काम करते हुए 10-15-20 साल जो करे, तो हर बार उनका ये रवैया ना वो प्रतिकाल बन लेते हैं। मैं कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं, कोई भी ठेकेदार हो सकता है, लेकिन कुछ ठेकेदार दिमाग में बहुत गलतफहमी होगी कि हमारी सरकार आती तो हमको डामर डिटिट डालेंगे, वैसे डामर डाल देंगे तो चल जाएगा। इन सब की जांचें होगी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, सरकार के 6 महीने की समीक्षा होगी और समीक्षा में तुरंत पता चल जाएगा सरकार ने क्या किया। अब सरकार को पहली बार जाने वाली सरकार को पता चलेगा कि ये अब जो सरकार आई है ये भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार करने वाली नहीं है। हर दृष्टि से मेरा आपसे निवेदन है कि आप हम सब मिलकर के इस क्षेत्र में अच्छा विकास हो। अधिकारी भी कोई भी खुली छूट नहीं, मेरे पास आकर के कोई आप डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है मुझे बता सकते हैं ताकि आप नीचे से बनाकर उस प्रोजेक्ट को भेजोगे तो सरकार स्तर पर उस काम को कराने का पूरा प्रयास। और मैं ये भी आज एक घोषणा कर रहा हूँ, महीने में एक दिन मैं SDM साहब के वहाँ जन सुनवाई करूँगा, अधिकारी जनप्रतिनिधि और आम जनता खुला रहेगी, आम जनता खुला आकर के अपनी बात रखेगी, इसलिए आप सब अपनी तैयारी से आए। तो एक महीने की बिल्कुल उस मीटिंग में जन सुनवाई में समीक्षा होगी कि कौन क्या करे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।